अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को अभी कुछ ही दिन पहले लताड़ लगाई थी, लेकिन वो माने नहीं। नागपुर के पास गोमांस लेकर जा रहे एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर कर पीटा। पीटने वाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर इंसान की जान लेने पर उतर आए लोगों से पूछा था कि गाय के नाम पर किसी आदमी को मार देना क्या ठीक है, लेकिन लोगों ने वैसे ही सुना जैसे इंसान का कहा कोई चौपाया सुनता है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि गोरक्षा के नाम पर लोग कुछ सुनने के मूड में नहीं है। अगर उन्हें भनक हो गई कि फला आदमी के पास गोमांस है तो उसका साबुत रह जाना मुश्किल है। ये भीड़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमाई इलाके जलालखेड़ा में जुटी है, जो कि नागपुर के पास है। जमीन पर गिराकर पीटे जा रहे शख्स के पास शायद गोमांस है और गोमांस रखने के शक में इसकी धुनाई की जा रही है। मोबाइल फोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग अपने हाथों से इसका इंसाफ करने पर उतारू हैं। बताया जा रहा है कि ये मारपीट स्थानीय विधायक बच्चू काड़ू की शह पर हुई है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। धारा 326 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। घटना के फौरन बाद कांग्रेस नेता खुशबू ने ट्वीट कर ताना मारा। मुझे ताज्जुब होता है कि हर सरकारी मौके पर बोलने वाले आज चुप क्यों हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौन व्रत पर हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि गोमांस पर पाबंदी होने और सख्त कानून होने के बावजूद लोग गोमांस ले जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने वाले सड़क पर ही सजा भी सुना रहे हैं। न तो गोमांस खाने वाले रुक रहे हैं और न गोमांस खाने के लिए सजा सुनाने वाले सुन रहे हैं। साहिल जोशी, नागपुर आज तक।